सकें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसास वाले नबी हैं और एहसास हुजूर ने उम्मत का किया, एहसास वाली जिंदगी गुजारी, हर हर लम्हा महबूब परेशान रहे। ये थोड़ा अरसा पहले डॉक्टर हारून साहब मुसलमान हुए हैं और अभी उन्होंने ना 2-3 किताबों का अंग्रेजी में तर्जमा किया है और भी कुछ किताबों पे वो काम कर रहे हैं, हॉलैंड के रहने वाले डॉक्टर साहब हैं। तवज्जो है मेरी बात पर आप अजीजों। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने ये सुना था कि मुसलमान दहशत गर्द हैं, ये बम ब्लास्ट करते हैं। तो मैं जहां लफ्ज इस्लाम आता था ना, वहां से मैं थोड़ा बच जाता था, पीछे हट जाता था। लेकिन मेरे मिजाज के अंदर ये बात शामिल थी कि मेरे अंदर अल्लाह ने बड़ा इंसानियत का जज्बा रखा हुआ था। तो मैं एक तंजीम कायम कर रहा था, मेरा ख्याल था कि एक ऐसी जमात बनाऊं कि जो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम, तवज्जो है मेरे अजीजों की, कहते मेरा ख्याल था ऐसी जमात कायम करूं कि जो पूरी दुनिया में लोगों की खिदमत करे और बगैर इम्तियाज के करे, इस्लाम वालों की भी और गैर मुस्लिमों की भी। लेकिन मुझे बड़ा धजका रहता था कि मुसलमान सख्त गिर कौम है। मैंने बहुत सारी जमातों का मंशूर और दस्तूर मंगाया और मैंने कहा मैं अपनी जमात का दस्तूर लिखूंगा तो पहले जरा सारा मैं मुताला कर लूं। डॉक्टरों का टेबल होता है, उसके ऊपर ना शीशा लगा होता है, नीचे वो जो चीज़ ज़रूरी होती है वो रख लेते। कहते एक मिस्र के मौलाना साहब आए हुए थे हॉलैंड के दौरे पर, अच्छी अंग्रेज़ी जानते थे तो किसी वजह से अलील हो गए। मेरे पास वो आए और उन्होंने देखा कि मैं इंसानी हकूक पर कुछ लिख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो वो देख करके मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप कोई तंजीम कायम कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो कहते उन्होंने हल्का सा टच दिया, जोर नहीं दिया, और वैसे भी जो हल्की बात होती है वो ज़रा दिल में जल्दी बैठ जाती है। कहते हल्का सा टच दिया, कहने लगे अगर कभी मौका मिले तो मेरे नबी पाक की भी सीरत पढ़ के देखें। बस हल्की सी बात, और वो जुमला छोड़ गए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत ने लिखा है ज़रूरी नहीं कि तुम जो कह रहे हो वो मनवा के उठो, लेकिन मैसेज ज़रूर छोड़ दिया करो। जब इंसान के जहन में बात होती है ना, यहाँ स्टॉक होता है जब बात का, तो जब वो काम करने लगता है तो एक दफ़ा वो बात सामने ज़रूर आती है, कह दिया करो। उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर साहब एक दफ़ा हुजूर की सीरत भी पढ़ लें। कहते हैं मेरे जहन में बात बैठ गई, मसरूफ़ आदमी था, ज़्यादा तो नहीं मैं मुताला कर सकता था, लेकिन मैं ना एक दिन 10 मिनट घर में मिले थे तो मैं कंप्यूटर पे बैठा और मैंने कहा कि अंग्रेज़ी में जो किताबें हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की हैं उनको ज़रा देखता हूँ। तो फरमाते हैं कि मैंने नेट पे सर्च किया, पहली हदीस आई और मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हदीस कहाँ है? सुबुलुल हुदा वर रिशाद में भी है, कंजुल माल में भी है, मुसनद अहमद में भी है, इब्ने इसहाक में भी है, इब्ने अशाम में भी है, और शायद सीरत की तमाम किताबों में आपको रवायत मिल जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस और रवायत करते हैं हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और साथ हैं सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं हम ना घर से निकले, हुजूर ने फरमाया जरा जल्दी चलो, एक जरूरी काम है। फरमाते हैं बड़ी तेजी के साथ आज रूटीन से हटकर महबूब ने तेज तेज कदम मुबारक उठाए, तेज तेज, और फरमाते हैं एक गली हमने क्रॉस की, दूसरी गली में जो पहुंचे तो फटे पुराने कपड़े, सादी सी बीबी, और हालत बताती थी कि बेचारी किसी गरीब घर की है। वो सड़क पे खड़ी थी और रो रही थी। मेरे करीम रसूल ने फरमाया बिलाल इसे पूछो क्या मसला है, क्यों रोती है? तो हज़रत सलमान अर्ज़ करते हैं मैंने कहा हुज़ूर मैं पूछ लेता हूँ, आप जाइए, काम बड़ा ज़रूरी है, जो निकलें मैं मालूमात करता हूँ। तो महबूब ने फरमाया नहीं, इसके आंसू पूछने से ज़रूरी कोई काम भी नहीं, पहले इसकी दाद रसी होगी, इसे पहले पूछा जाएगा। रोते नहीं रहते लोग घरों में, लोग गुजर नहीं जाते चुप करके, कितने लोग तड़पते, कौन एहसास करता है? नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और उस खातून से पूछा क्या बात है? उसने कहा कि बात कोई भी नहीं, मेरा एक ही मोटा सा मसला है। कहा वो क्या? कहने लगी मैं गरीब हूं और गरीबी बजाते खुद बहुत बड़ा गुनाह होती है,
लोग बड़ा जुर्म समझते हैं इसको बजाते खुद। मैंने शुरू में कहा ना कि मजहबी स्टेज की भी सदारत गरीब आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि गरीब जो हुआ जिद को दत्थी होनी उन्हें नेड़े बहना है ना जी, जिद को नहीं उन्हें तो पिछे जाके बहना एंड ते को दत्थी है। इस स्टेज पे भी गरीब आदमी की सदारत नहीं मुमकिन, हो ही नहीं सकता। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया पहले इसे पूछो क्या मसला है। वो कहने लगी मैं गरीब हूं, बूढ़ी हो गई हूं, सारी जिंदगी गुलामी में गुजारी है, तेल लेने आई थी 5 दिनार का, बोतल में तेल भरवाया है, और अब बूढ़ी हूं ना तो कमर दर्द करती है, पैर पीछे मोड़ा है, तो मैं गिरी हूं, तेल जमीन पी गई है, अब जमीन तो वापस नहीं करती, लेकिन वापस जाऊंगी तो एक यहूदी औरत की मुलाजमा हूं, वो दुर्रे से मारेगी, खाल उधेड़ देगी, मैं बड़ी परेशान हूं, अब नहीं मार खाई जाती, हड्डियां बूढ़ी हैं, कुर्बान जाऊं। हजरत बिलाल को हुजूर ने हुक्म दिया, फरमाया दौड़ के घर जा 5 दिनार ला। फरमाते 5 दिनार लाए, तेल खरीद के दिया, वो फिर रोने लगी। फरमाया आप क्यों रोती है? उसने कहा बताया ना गरीब हूं, गरीब का जुर्म कोई नहीं होता, लेकिन पीस दिया जाता है, फिर भी मार तो अब भी पड़ेगी, अब क्यों पड़ेगी? तो अर्ज करने लगी महबूबा मार इसलिए पड़ेगी कि देर से क्यों आई है। तो मेरे करीम रसूल और वो बीबी हुजूर अभी आए हैं मदीना तय्यबा, इमाम यूसुफ सालिह फरमाते अभी आए थे हुजूर, सुबलुल हुदा वर्रशाद के मुसन्निफ कहते अभी आए थे नबी पाक, वो जानती भी नहीं थी। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा मार पड़ेगी? कहा ओ भाई काउंसलर जो कल आपको कह रहा था ना मैं आपका खादम हूं, काउंसलर बेगुना, बल्कि हमारे SHO साहब अगर चौधरी पे पर्चा आ जाए तो उसको टेलीफोन करके पूछते हैं साहब जी थोड़े खिलाफ दरखास्त आई है, की करना है? तो गरीब आदमी बेचारा, उसकी गलती ये थी कि वो गरीब था तो उसने रेड़ी लगा ली चौक में, उसको दबोच के ले गए, तेन पता नहीं इतने निकलोई दा, तो उसके पास कुल इन्वेस्टमेंट ही 5,000 थी, सारा ले गए। फिर वो काउंसलर साहब के पास चला गया, सर मेरे नाल चले आ जाए जरा, मैं थाने जाना। उन्हें कहा गड्डी कराई आ, पैसे है नहीं, एवं थाने जाइए। अब वो गाड़ी लाया है, पता नहीं कहाँ से लाया है, थाने पहुंचा है, और ये है हमारा हाल कि वो SHO भी बैठा है कुर्सी पे और काउंसलर भी कुर्सी पे बैठा है, और वो गरीब पैरों में बैठा है और हाथ बांध के कह रहा मेरी रेड़ी दे छो, मेरिया 4 धियां ने तो मैं शामी खाना खाना है। किधर गया उम्मत का वो जौक? सारी जिंदगी नाते सुनने वालों बताओ तो सही, नात ने तासीर क्या दी है रूह? अगर अभी भी घाड़ी गरीब के पास खड़ी नहीं होती तो फिर क्या असर हुआ सारी जिंदगी नात सुनने का? मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस खातून से, यहां काउंसलर साथ नहीं जाता, कहता कर दिया टेलीफोन सवेरे 9 बजे पहुंच जाना। पर कायनात की सबसे मुअज्जज शख्सियत हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे नबी पाक ने फरमाया बीबी चल मैं तेरे साथ चलता हूं, गोया अल्लाह की सारी रहमतें उसके साथ साथ चलने लगी। और आगे आगे नहीं, सारी किताबें पढ़ लो, वो फटे पुराने कपड़ों वाली बीबी आगे आगे और अल्लाह के करीम रसूल पीछे पीछे, सारी गलियां उसने फिराई मदीने की, सहरा आ गया, एक दरवाजे पर दस्तक दी, मालकन आई, वो बीबी बाद में कहती है मैं भी बड़ी डाडी थी, ताकत ही नहीं थी मेरे सामने को खड़ा हो सके, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मैंने नूर के हाले में लिपटी हुई एक अजीम हस्ती को देखा। फरमाते महबूब के गोरे चिट्टे रंग के ऊपर काली जुल्फें और महबूब पाक की मुकद्दस आंखें जब तक बात करते रहे नजरें जमीन पे झुकी रहीं। शर्मो हया वाले रसूल ने बड़े मीठे बड़े धीमे बड़े खूबसूरत लहजे में कहा, बरेली के इमाम फरमाते नीची नजरों की शर्मो हया पे दुरूद, बड़े धीमे लहजे में फरमाया तेरी नौकरानी है तेरी? औरत कहती है मैं तो हुजूर के जलवों में महव हो गई कि सादगी में इतना हुसन मैंने देखा ही नहीं, तेरी नौकरानी है? कहा तो मेरे महबूब ने फरमाया बिचारी की गलती कोई नहीं, इसे मारना ना, इससे तेल गिर गया था, नया खरीदते देर हो गई, रो रही थी तो मैं सिफारिश करने आया हूं। वो खातून कहती है किसी की नहीं मानी थी पर महबूब के जुमलों में तासीर इतनी थी, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा मी चख डिठियां, इन सारिया शैवा नालों गल्ला सजन दिया मिठियां।
फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ ना कहना। कहने लगी नहीं कहती, मेरा वादा रहा कुछ नहीं कहूंगी। अब मेरे हबीब ने फिर नजर उठाई और उस गरीबिनी की तरफ देखा और फरमाया तू अगर कहे तो मैं जाऊं, तू अगर कहे तो मैं खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो, तू अगर कहे तो मैं जाऊं। उसने खिराज पेश किया तो चंद आंसू गिराए। कहने लगी महबूबा जैसे बंदा नवाजी। हुजूर ने रुख फेरा, हजरत बिलाल कहते मैं पीछे रह गया, मैं पीछे रह गया। तो वो दोनों बीबियां दौड़ के मेरे पास आई, कहने लगी बता तो सही है कौन, ये बता तो सही कौन थे। तो हजरत बिलाल कहने लगी तुम नहीं जानते। जनाब बिलाल फरमाने लगे यही तो है जिन्हें अल्लाह ने सच्चा रसूल बना के भेजा है। बीबियां दौड़ के आई, कहने लगी महबूबा दरवाजे तक आए हो तो खाली तो ना लौटाओ, मेहरबानी फरमाओ हमें भी कलमा पढ़ा दो। डॉक्टर हारून कहते हैं वो बीबियां वहां कलमा पढ़ रही थी और मैं हदीस पढ़ के कलमा पढ़ रहा था। भाई अगर अगर दौलत एहसास है ना फिर तू जिंदा है। जो जिंदा होता है उसमें लचक होती है, जो मर जाता है वो अकड़ जाता है। अगर जिंदगी है तो फिर एहसास होना चाहिए। अगर तेरे अंदर जिंदगी है तो फिर एहसास है, और अगर तेरे अंदर एहसास नहीं रहा ना तो फिर जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते, एहसास से मुरव्वत पैदा कर। थोड़ा सा दाएं बाएं भी देखें, थोड़ा पलट कर भी देखें कि कहीं आपकी जरूरत तो नहीं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वा अभी।